लोग मूवी माफिया के गुलामी करेंगे वही बॉलीवुड में बने रह सकते हैं। शांत मामला होने के बाद पूरा बॉलीवुड शांत था, पर आपको याद है जब जब ये बॉलीवुड शांत रहा है तब तब लगता है कि इस पूरे मामले में कोई गड़बड़ है। पर जब आर्यन खान का मामला हुआ तब पूरा बॉलीवुड सपोर्ट करने आ गया, जहां पर हमारे देश की मीडिया दिखाती है कि देखो शाहरुख खान सलमान खान की इतनी बड़ी लड़ाई है, वो बात नहीं करते, वो फाइट करते हैं। पर जब इस पूरे मामले का सच सामने निकल के आया तब तो कुछ और ही देखने को मिला। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि सुशांत मामला, जिस मामले को लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं, इस पूरे मामले में कोई बड़ी अपडेट निकल के नहीं आने के बावजूद आज भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले का सच कब बाहर आएगा, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी तक कहाँ तक पहुंची है। अब तो CBI के नए डायरेक्टर भी आ चुके हैं, तो देखने वाला विषय है कि इस पूरे मामले में वक्त आने पे क्या कुछ बड़ा निकल के आने वाला है, क्या इस पूरे मामले में कुछ ऐसा सच निकलेगा जिसके बाद सब चौंक जाएंगे। इन पलों का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस पूरे मामले का फाइनल कंक्लूजन निकल के आएगा। पर वहीं दूसरी तरफ देखें तो बॉलीवुड, जिसने सुशांत मामला होने के बाद चुप्पी साध ली थी, अपने मुंह पर उंगली रख ली थी, वही बॉलीवुड आर्यन खान के गिरफ्तार होने के बाद खुल के सामने निकल के आया था, जहां पर देखा गया था जो पूजा भट्ट थी वो भी शाहरुख खान के सपोर्ट में आ गई थी और कमेंट्स को ऑफ कर दिया था। और वहीं पे हमारी मीडिया जो ये दिखाती है कि शाहरुख खान सलमान खान लड़ते थे आपस में, वही सलमान खान शाहरुख खान के घर पे आधी रात को पहुंचे थे। अब सोचिए ये वही है जिन्होंने कभी सुशांत के लिए आवाज नहीं उठाई, पर जब आर्यन खान की बात आई या फिर अपने बॉलीवुड की बात आई तब आधी रात को भी उनके घर पहुंच गए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार क्या आउटसाइडर का कोई नहीं है, क्या इनसाइडर में काम करने वाले जो लोग हैं उनका सपोर्ट हर इंसान करता है, पर जो आउटसाइडर हैं जो मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं, जो मेहनत के बलबूते पर कई फिल्में को पाते हैं, फिल्मों को सुपरहिट करवाते हैं और अपनी काबिलियत दिखाते हैं, उसके बावजूद उनका साथ देने वाला कोई नहीं है इंडस्ट्री में, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठाता है। पर वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आर्यन खान वाला जब मामला हुआ, इस पूरे मामले में कई सवाल और उठ रहे हैं, जहां पर समीर वानखेड़े जी जिस तरीके से ड्रग्स को खत्म कर रहे थे, जिस तरीके से ड्रग्स वाले मामलों में जांच कर रहे थे, बहुत सारे लोग उनसे नाराज तो जरूर होंगे, क्योंकि जब ये आर्यन खान वाला मामला हुआ था, आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, तब भी उनके ऊपर सवाल उठाए गए थे और आज भी उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। पर आज कुछ और ही निकल के आ रही हैं बातें, आज कुछ ऐसे दावे हो रहे हैं कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर जो ऑफिसर हैं क्या उनकी गलती है, क्योंकि चैट्स में कुछ बातें निकल के आ रही है, जो चैट्स उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में पेश करी हैं उनमें कुछ और बातें निकल के आ रही है। उनके सीनियर्स कहते हैं हमको कुछ पता ही नहीं था, पर चैट में तो साफ साफ दर्शा रहे हैं ये बातें कि समीर वानखेड़े जी ने अगला कदम रखने से पहले हर बार अपने सीनियर्स को हर बात बताई है, परमिशन ली, उसके बाद अगला कदम रखा, जिसके बाद आज वही सीनियर समीर वानखेड़े जी के अगेंस्ट में क्यों है, क्या इस पूरे मामले में वानखेड़े जी को फंसाया जा रहा है या फिर गलती किसकी है, ये तो वक्त आने में पता लग ही जाएगा, क्योंकि अब इस पूरे मामले की जांच CBI के हाथ में है और CBI समीर वानखेड़े जी से पूछताछ कर चुकी है कल। तो देखने वाला विषय है कि वक्त आने पर इस पूरे मामले में क्या निकल के आएगा। आपको क्या लगता है कौन सही कौन गलत, क्योंकि जो चैट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की गई है उस चैट में समीर वानखेड़े जी हैं और NCB के DG हैं जिनका नाम SN प्रधान है और NCB के DDG हैं जिनका नाम ज्ञानेश्वर सिंह है। इन सब की बातें सामने निकल के आ रही है और इस चैट में कई ऐसी बातें हैं जो बहुत चौंकाने वाली हैं, जैसे कि क्रूज पार्टी में ड्रग्स कौन सी मिली, क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली थी जो लोग उस पार्टी में जाने वाले थे और उस पार्टी की टिकट करीब 3 लाख की थी, कई ऐसी बातें बताई गई हैं और उस ड्रग्स को भी एक्सप्लेन किया गया कि वो कितना खतरनाक है। तो कई बातें इन चैट में शेयर होने के बाद, इन चैट्स को पढ़ने के बाद सवाल यही उठता है कि आखिरकार गलती किसकी है और क्या इस पूरे मामले में डीलिंग हुई है किसी और की, नाम समीर वानखेड़े जी का आ रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है इन चैटों को पढ़ने के बाद। हाल ही में समीर वानखेड़े जी के साथ शाहरुख खान की चैट भी वायरल हुई थी, जहां पर शाहरुख खान समीर वानखेड़े जी से मदद मांग रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, वहीं पे कुछ और बातें इस पूरे मामले में निकल के आएंगी वक्त आने पर, ऐसा दावा हो रहा है। अब देखने वाला विषय है कि समीर वानखेड़े जी अगला कदम क्या उठाएंगे और अगली बार वो कोर्ट में कौन से बड़े डिजिटल एविडेंस पेश करने वाले हैं, जिसमें कई बड़े सवाल उठ जाएंगे
ये तो वक्त ही बताएगा। और उसी के बीच आपको बता दिया जाए, एजाज खान जिनको कहा जा रहा है कि आज से करीब 2 साल पहले गिरफ्तार किया गया था, उनको भी 19 मई को शाम को लगभग बेल दे दी गई है, उनको भी बेल मिल गई है। तो जिस तरीके से अब कई सारे लोगों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कई सारे लोगों को बेल मिल रही है, इन सब के बारे में आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी।